हेलो फ्रेंड्स, मैं नकुल एंड गेट टेबल चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको एजुकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। इस प्रकार के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारी वीडियोज में आपके समय का खास ध्यान रखा गया, फिजूल की बातें नहीं होगी, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज 2 नवम्बर है दोस्तों, आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ग्रुप डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का दिन है दोस्तों। जिन लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता वो नहीं पता है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया है दोस्तों। और जिन लोगों को सिलेबस और उस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए, वो हमारे चैनल में विजिट करके जाके देख सकते हो। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ग्रुप डी का एडमिट कार्ड आ गया है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं www.sc.government.in। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन कर लीजिए। और ये वेबसाइट लॉगिन करने बाद आपको इस तरह का वेबसाइट खुल के नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट फॉर /2018 ग्रुप डी पोस्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख लीजिए कि किस कॉलम में आपका रोल नंबर आ रहा है। तो मेरे पास मेरे दोस्त का रोल नंबर है, लॉगिन आईडी है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले से उसका सेव किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड एडमिट डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको इंटर किया तो यहाँ पे लिखा रहा है कि योर एडमिट कार्ड इज करेंटली नॉट एक्टिव फॉर डाउनलोड, इट विल बी एक्टिव लेटर ऑन 7th नवंबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसका एडमिट कार्ड अभी एक्टिव नहीं किया गया दोस्तों। उसका एग्ज़ाम 10 और 11 नवंबर को नहीं होगा, बल्कि उसके बाद होगा, बाद में 17 या 18 नवंबर को होगा। तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है और उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद होगा, उसके 7 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। और इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोज पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।